रीवा मध्य प्रदेश में आज दो फरियादी अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे आईजी कार्यालय एवं एसपी कार्यालय। रीवा मध्य प्रदेश में आज एसपी कार्यालय में फरियादी समीम अंसारी उर्फ समीम गोली पिता मोबिन अंसारी निवासी चिकन टोला, दूसरा फरियादी रफीक अंसारी उर्फ राजू छैला, दोनों में आज आईजी कार्यालय में और एसपी कार्यालय में अपनी फरियाद लगाई है। यह मामला रीवा शहर का बताया जा रहा है। फरियादी राजू छैला द्वारा आईजी कार्यालय में ज्ञापन देते हुए बताया गया कि चिकन टोला में आरोप लगाते हुए बताया कि समीम गोली के द्वारा नियमित रूप से सट्टा का कारोबार संचालित किया जाता है तथा कारोबार में उसने काफी अवैध संपत्ति अर्जित की है, जिस कारण उसका राजनीतिक जगह उसकी घुसपैठ बन चुकी है। आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। हम गुराई बाजार में बैठे थे मामा की दुकान में, वहाँ चंदू पुलिस वाले आए, बोले कि चलो टीआई साहब बुलाए हैं। हम पूछे काहे के लिए, उन्होंने बोला वो आईसी बुलाए निगरानी सुधा बदमाश हो तुम। हम कहें साहब अपराध हमारा कुछ भी नहीं, पहले करते थे 4 साल पहले राजू शहर लखसाद में काम, अब जब तक छोड़े तब से आज तक बकरी काम कर रहे हैं और अभी हमारा तीजन भी है। बोले चलो 5 मिनट में आ जाओगे। फिर ये हमको ले गए वहाँ, सट्टा एड लगवाएं, पर्ची बनवाएं और फिर रात को 9:30-9 बजे हमको छोड़े हैं। दो उसमें तो पकड़ा गया है, वो हमारा कुछ भी नहीं है पैसा। दो लोग पकड़े थे ना आप लोग? नहीं नहीं, वो हमको जानते ही नहीं कौन लड़का है वो। साथ में उसको बगल में खड़ा कर दिए, बोले पर्ची बनाओ, पर्ची बनवाएं अपने से। वो क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक अंसारी। आज आप आईजी कार्यालय आए हैं, क्या मामले क्या है? मामले ये है कि मैं ठेकेदार हूँ और हमको बदनाम किया जाता है समीम गोली के द्वारा। जो कुछ लोग हैं सट्टा पट्टी काटते हैं, आए दिन हमको बदनाम करते हैं। जब देखो कहीं झूठे आरोप में फर्जी केस लगवा देते हैं, सिविल लाइन थाना कहीं कहीं, मैं हर मुकदमा लड़ रहा हूँ। मैंने बहुत बेस शिकायत किया DGP IG DIG SP सबको किया कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, तो ये लोग वही फिर आया हूँ फिर देने के लिए IG ऑफिस। आपने थाने में शिकायत की? थाने में मैंने शिकायत की थी, उसकी भी स्लिप रखा हूँ। जब देखो कहीं झूठा रोब में कहीं जब पेपरबाजी कहीं कुछ उल्टा सीधा, मैंने शिकायत वहाँ भी कर चुका हूँ, इस हर जगह कर चुका हूँ। अब ये एक बार फिर आया हूँ यहाँ IG साहब के पास, शायद हमको न्याय मिल जाए इसी उम्मीद से आया हूँ। मैं पेशे ठेकेदार हूँ, पहले मैं जो था क्या था इससे हमसे कोई लेना देना नहीं, अब मैं वर्तमान में मैं ठेकेदार हूँ 4 साल से। जो आरोपी है वो आपको बार बार क्यों फंसाना चाहता है? उस समय मैं उसके साथ में पार्टनरशिप था बहुत 4 साल पहले, वे उसको मैंने छोड़ के मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगा, सराफत की ज़िंदगी जीने के लिए ठेकेदारी करने लगा और इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसी लाइन में तू घुस, अब मैं घुसना नहीं चाहता। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस तरह से इस मामले को सुलझाने का प्रयास करती है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट।